दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि मेरे पास जो ये प्लांट है जिसको मुर्गा कलंगी के नाम से भी जानते हैं और दोस्तों इसको इंग्लिश में कोस्कोम्ब के नाम से भी जाना जाता है, इन पौधों का बीज के द्वारा बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हो। और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि इन प्लांटों को आपको कैसे लगाना है, क्योंकि दोस्तों इन प्लांटों को आप लगाना चाहते हो तो इसकी केयर टिप्स है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो में ज़रूर देखना, इसमें मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है। तो दोस्तों इस वीडियो को करते हैं अपन शुरू, और दोस्तों चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना और पास में बेल आइकन को भी ज़रूर से दबा देना। थैंक यू दोस्तों, आज के इस वीडियो को करते हैं अपन शुरू। तो दोस्तों ये देख सकते हो कि मैं इस प्लांटों को इन जगह पर लगाने वाला हूँ, मतलब कि आउटडोर के अंदर लगाने वाला हूँ और ज़मीन के अंदर लगाने वाला हूँ। ये जो मतलब कि मैंने जो क्यारी निकाल रखी है ये फुलवारी की ही क्यारी है, केवल इसमें मैं फुलवारी लगाता हूँ ज़्यादातर, तो केवल इसी क्यारी के अंदर मैं लगाता हूँ। और दोस्तों अब मैं बताता हूँ कि आपको क्या करना है सबसे पहले। तो दोस्तों इसकी जो मतलब आपकी ज़मीन है तो उसको सबसे पहले आपको खुदाई करनी है, जितना भी उसके अंदर से खरपतवार वगैरह ऐसा कोई भी चारा वगैरह है तो उसको सबको निकाल देना है और उसकी अच्छी तरीके से वैसे खुदाई कर लेनी है। खुदाई करने के बाद में दोस्तों क्या करना है मैं आपको इस वीडियो में आगे दिखाता हूँ, तब तक दोस्तों मैं इसकी अच्छी तरीके से वैसे खुदाई कर लेता हूँ। और दोस्तों खुदाई करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि थोड़ा सा मतलब कि गहरा खोदना है, वैसे ऊपर ऊपर से नहीं खोदना है, आपको थोड़ा सा अंदर से खोदना है। अगर दोस्तों आप अंदर से खोदते हो तो मतलब कि कोई भी चारा वगैरह जो भी होता है खरपतवार तो वो मतलब ज़मीन के अंदर से निकल जाता है, तो वापस से आने की कोई भी संभावना नहीं होती है, क्योंकि दोस्तों फिर आपके प्लांटों को मतलब ये जो ख़राब करता है तो ये ख़राब नहीं होंगे दोस्तों। तो मैं जल्दी से इसको मतलब कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर मैं आपको आगे दिखाता हूँ। दोस्तों ये देख सकते हो मैंने पूरी क्यारी की मतलब कि अच्छी तरीके से खुदाई कर दी है और जो भी इसके अंदर खरपतवार वगैरह था वो मैंने सब निकाल दिया है। अब दोस्तों आपको फर्टिलाइज़र कौन सा ऐड करना तो वो मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। तो ये दोस्तों मेरे पास जो फर्टिलाइज़र है मैं केवल दोनों प्रकार के फर्टिलाइज़र यूज़ करता हूँ सबसे ज़्यादा। तो दोस्तों सबसे पहला नंबर पर जो गोबर का जो खाद है तो मैं उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ इसके अंदर। और दोस्तों ये जो मतलब कि ये मुर्गा कलंगी जो प्लांट है तो ये सबसे बेस्ट इसके लिए यही फर्टिलाइज़र है, इसमें दोस्तों ये प्लांट बहुत ही ज़्यादा ग्रो होते हैं। तो अगर आपके पास में ये फर्टिलाइज़र है तो आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, मतलब कि अगर ये वाला जो फर्टिलाइज़र नहीं है तो फिर आप मतलब कि वर्मी कंपोस्ट का भी यूज़ कर सकते हो। अगर दोस्तों ये वाला है तो पहले आपको ये वाले का ही इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों ये वाले मेरे पास में प्लांट है, और दोस्तों अगर ये आपके पास में नहीं है तो आपको मतलब इसके बीज से भी आप इसको ग्रो कर सकते हो, इसकी सीड तैयार कर सकते हो और बाद में ट्रांसप्लांट कर सकते हो। जैसे दोस्तों मैंने मतलब कि दूसरी जगह से मतलब इसको इंपोर्ट करके फिर मेरे यहाँ पर लाया, क्योंकि दोस्तों मैंने इसकी जो सीड है वो कहीं दूसरी जगह पर तैयार कर रखी थी गमले के अंदर, तो फिर मैंने उसमें से निकाल के फिर यहाँ पर ला के लगा रहा हूँ। और दोस्तों ये जो प्लांट होते हैं तो ये क्या होता है कि मतलब इसके फूलवारी जो आती है, इसके जो फूल आते हैं तो बिल्कुल मुर्गे के जो ऊपर का जो फंख जो होता है उसी के प्रकार की आती है, बिल्कुल वो सेम की सेम वो की वो आती है। तो दोस्तों ये वाले प्लांट अगर आपके पास में नहीं है तो मतलब अभी का जो मौसम चल रहा है, बरसात का जो सीजन चल रहा है, तो इसके अंदर आप इस प्लांटों को लगाना जरूर चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस महीने में क्या होता है कि सभी प्लांटों की अच्छी तरीके से रूट होती है तो वो डेवलप हो जाती है, मतलब कि ज़मीन के अंदर अच्छी तरीके से सेट हो जाती है, तो फिर आपका प्लांट मतलब कि ख़राब नहीं होता है और वो सीधा का सीधा चल जाता है। और दोस्तों आप देख सकते हो ये प्लांट मतलब कि मैं अब इसको छोटे छोटे से प्लांट है उनको भी मैंने निकाल लिए, क्योंकि दोस्तों जितना छोटा प्लांट होता है तो उतना ही मतलब कि फास्ट ग्रो करता है, बड़े प्लांट भी करते हैं पर दोस्तों थोड़ा से धीरे ग्रो करते हैं। तो अगर आपके पास में ऐसी छोटी सीड कंप्लीट हो चुकी है, अगर आपने लगा रखी है तो आप उसको मतलब निकाल करके लगा सकते हो। और दोस्तों लगाना कैसे है मैं अब आपको इस वीडियो में आगे दिखा देता हूँ। और हाँ दोस्तों मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो वीडियो कैसा लग रहा है आपको कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके पास में जो भी फर्टिलाइज़र है, वर्मी कंपोस्ट है चाहे देसी गोबर का खाद है, तो उसको मतलब इसकी ज़मीन के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, फिर आपके बाद में इसको प्लांट लगाना है। तो प्लांट लगाने में दोस्तों आपको एक चीज़ का अवश्य ध्यान रखना है कि इस प्लांट की जो रूट होती है तो वो काफ़ी नॉर्मल और स्मॉल रूट होती है, मतलब कि इतनी नरम रूट होती है, तो अगर वो टूट जाएगी दोस्तों तो फिर आपका प्लांट वैसे ग्रो नहीं करेगा। तो आपको बहुत ही ध्यान से इस प्लांट को लगाना है,
और अगर दोस्तों आप इस प्रकार से नहीं लगा सकते हो, रूट का ध्यान नहीं रख सकते हो, तो दोस्तों मैं लगा रहा हूँ उस प्रकार से आप लगा सकते हो कि नीचे थोड़ी सी मिट्टी रहने देनी है, इसके रूट के पास में जो मिट्टी होती है तो उसको प्लांट के ऊपर ही रहने देनी है, उसको हटानी नहीं है, और उसके साथ साथ ही इस प्लांट को मतलब कि अंदर लगा देना है। तो देख लीजिए दोस्तों, ये मैंने इसी प्रकार से लगाता हूँ दोस्तों सभी प्लांटों को। और दोस्तों मैं बता देता हूँ कि ये जो आप फर्टिलाइज़र जो ऐड कर रहे हो इसके अंदर, तो दोस्तों अगर आप इसको ज़मीन के अंदर लगा रहे हो तो सबसे पहले आपको मतलब जितनी भी आप जगह है तो उसमें सबसे पहले फर्टिलाइज़र डाल के फिर उसकी खुदाई कर सकते हो। चाहो तो आप खुदाई करके फिर भी आप इसके अंदर फर्टिलाइज़र डाल सकते हो। तो दोस्तों मैं कैसे डालता हूँ मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों आपको इस प्रकार से फर्टिलाइज़र डालना है कि मिट्टी की खुदाई करके और पूरी क्यारी के जो मतलब आप जिस जगह में जो ये प्लांट लगा रहे हो, वो मुर्गा कलंगी का जो प्लांट लगा रहे हो, तो उस पूरी जगह पर आपको मतलब पहले ही फर्टिलाइज़र का छिड़काव कर देना है। और दोस्तों मैं नहीं बता रहा हूँ, अगर आप मतलब गूगल करोगे तो भी आपको यही मिलेगा कि दोस्तों इस प्लांट को जो मतलब फर्टिलाइज़र की जो आवश्यकता होती है तो वो शुरू में कम ही होती है, तो मतलब आप इसे बिखेर दोगे तो मतलब फर्टिलाइज़र की आवश्यकता इस प्लांट को कम होगी। और दोस्तों अब मैं बता देता हूँ कि इस प्लांट की जो केयर कैसे करनी है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस प्लांट को ऐसी जगह पर लगाना है जहां पर इसकी दिन की जो मतलब 8 घंटे की जो धूप होती है, तो अगर वो मिल जाएगी तो ये फिर प्लांट मतलब कि ग्रो होने से कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों। और दोस्तों साथ साथ ही आपको क्या करना है कि इसमें जो पानी की जो आवश्यकता होती है तो वो मतलब कि नाक के बराबर होती है, तो कम पानी की आवश्यकता होती है। तो आपको क्या करना है, अगर इसकी मिट्टी की जो लेयर ऊपर वाली जो सूख जाए तो उसके बाद में आप इसको पानी पिला सकते हो दोस्तों। और दोस्तों अभी का जो मौसम चल रहा है उसी के अंदर तो आप पानी नहीं भी पिलाओगे तो भी चलेगा, क्योंकि दोस्तों अभी जो बरसात का मौसम चल रहा है तो ये उसमें प्लांट मतलब कि अच्छी तरीके से वैसे ग्रो कर जाते हैं। और दोस्तों सबसे ज़्यादा आपको कटिंग है मतलब कि बारिश के मौसम के अंदर ही लगानी चाहिए, दूसरे मौसम में कम चलती है दोस्तों, बारिश के मौसम के अंदर बहुत ही ज़्यादा कटिंग है मतलब कि ग्रो करती है। तो दोस्तों मैं ये जो सभी जो प्लांट है इन सभी प्लांटों को लगा कर दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि इसका ओवरव्यू कैसे आता है। तो दोस्तों ये फाइनल रिजल्ट आपके सामने आ चुका है, मैंने सभी प्लांटों को लगा दिया है और मतलब कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर इसके फूल आते हैं, तो मैंने भी इसीलिए लगाया था। और दोस्तों ये जो प्लांट है तो मतलब कि ज़्यादातर ग्रो कर जाएंगे इस मौसम के अंदर, तो अगर आपने अभी तक ये प्लांट नहीं लगाया तो फिर दोस्तों आपको ज़रूर से लगाना है। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना सा ही, मिलते हैं कल की न्यू वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय, टेक केयर। और दोस्तों चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से दबा देना, ताकि कल वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलेगा। थैंक यू दोस्तों।